दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। वहीं दूसरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश किया गया। अब हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार विभव कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई पहुंची। मोबाइल फोन के डेटा को दोबारा रिट्रीव करने के लिए दिल्ली पुलिस विभव कुमार को मुंबई लेकर पहुंची है। विभव कुमार ने मुंबई में ही अपने फोन को फॉर्मेट किया था, लेकिन किसकी मदद से किया, किसके जरिए किया, क्या किसी शख्स को होटल में बुलाया गया था, किस लैपटॉप का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि विभव की गिरफ्तारी के बाद उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही फोन को फॉर्मेट किया जा चुका था।